खुशामदीद नाजरीन, नया इनकलाब न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। मैं मोहम्मद हाजिली, बढ़ते आज की अहम खबर की तरफ। नाज़रीन कराम, कुल हिंद मजलिस से इनकलाब मिल्लत के जनरल सेक्रेटरी और शहर हैदराबाद के मशहूर और मारूफ एडवोकेट ने खवी अब्बासी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल करते हुए उन्होंने अपने बयान में कहा है कि शहर हैदराबाद के अंदर हर गली कुंचे में आवारा कुत्ते लावारिस कुत्तों की तादाद बढ़ते जा रही है, जिसके तहत मासूम बच्चों को वो लोग हलाक कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर उस पर एक्शन ले और इस नावारा कुत्ते और लावारिस कुत्तों को कंट्रोल कर सके। साथ ही साथ उन्होंने जुल्म करने वाले अनासिर पर भी तनकीद करते हुए कहा है कि शहर हैदराबाद में जुल्म करने वाले अनासिर हुकूमत और महकमे पुलिस को चाहिए कि उन पर भी कंट्रोल कर सके। उन्होंने अपने अल्फाज में साफ जाहिर करते हुए कहा है कि दो पैर के कुत्ते और चार पैर के कुत्तों को हुकूमत को चाहिए कि उन पर कंट्रोल कर सके। आइए देखें नाज़िर, नया इंकलाब न्यूज़ ब्यूरो की जानिब से ऑल इंडिया मजलिस इंकलाब मिल्लत के जनरल सेक्रेटरी हैदराबाद शहर के मशहूर मारूफ एडवोकेट खवी अब्बासी का यह बयान हम आपको सुना रहे हैं। मैं मोहम्मद हाजिली, आप देख रहे हैं नया इंकलाब न्यूज़। अहमद इन ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हाल ही में इतवार के दिन 4 साल बच्ची को अंबर पेट में कुत्ते चीरफाड़ कर देते हैं, तो ये गवर्नमेंट BRS गवर्नमेंट इज फेल्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स। ये चार पैर के कुत्ते हैं और दो पैर के कुत्ते भी फिर रहे हैं शहर में। क्राइम रेट इतना बढ़ गया है, मर्डर्स, रेप्स, आर्सन, हर डकैती, थेफ्ट हर जगह हो रहा है। तो BRS गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स। BRS गवर्नमेंट मॉरली जो है सो रिजाइन कर देना चाहिए। मामूली से कुत्ते, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी सिटीजन। और बच्चों को हर गली में कुत्ते फिर रहे हैं, गली गली कुत्ते फिर रहे हैं। यहाँ पर दो पैर के, चार पैर के, ये दोनों को कंट्रोल करना है। जब तक ये दो जनों को कंट्रोल नहीं करेंगे, हुकूमत इज फेल्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो मैं पुलिस कमिश्नर साहब से अपील करता हूँ कि दो पैर के कुत्तों को कंट्रोल करिए, और मेयर साहब से अपील करता हूँ चार पैर के कुत्तों को कंट्रोल करिए, ताकि जो है सो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहना चाहिए और लोगों का जो सो पीसफुल लाइफ जीना चाहिए। दे शुड बी पीस। जब तक पीस नहीं आएगा, लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा गवर्नमेंट में। खुदा हाफिज़।